Good morning, friends. I welcome you all of you on the platform of the CGPSE Coach, a dedicated platform regarding preparation of civil services like CGPSE examination for online and offline classes. Today, I am very happy because right now you can see that at the platform of the CGPSE Coach, we have two eminent personality of Bilaspur, Mr. Kiran sir and Mr. Surinder sir. They are director of Career Point Coaching at Bilaspur, dedicated for IIT JEE NEET examination, and simultaneously they are running a school, like the name of the school is Career Point World School, one of the biggest and the best school available in Bilaspur for school education. बहुत अच्छी बात है सर ने आज मुझे अपने सारे शेड्यूल्स में से कुछ मिनट्स दिए हैं और बहुत अच्छी बात ये है. मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी सुरेंद्र सर से किरण सर से निवेदन करता हूँ तो सर का टाइम मुझे हमेशा मिलता है. और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी टाइम में मैं स्टूडेंट था, आज मैं आप लोगों का टीचर हूँ, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी किरण सर का मैं स्टूडेंट हूँ, सुरेंद्र सर का मैं स्टूडेंट हूँ. और मेरा जो कैरियर है ग्रेजुएशन के बाद वो सर के साथ ही काम करके शुरू हुआ था. तो जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जो भी पॉजिटिविटी आपको आज की डेट में मेरे अंदर दिखाई पड़ती है या दसी जीपीएससी कोच में दिखाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं किरण सर, सुरेंद्र सर उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे सकारात्मक पहलू हैं. आपसे मेरी तो बहुत सारी बातें होती रहती है, हर वीडियोस में आते रहते हैं, मैं आते रहता हूं, मेरे सारे टीचर्स आते रहते हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करते रहती है. तो अभी मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आज सर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में ऐसा गाइडलाइन देने वाले हैं, ऐसा मार्गदर्शन देने वाले हैं, हो सकता है आप सभी का या आप में से कुछ लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद जीवन बदल जाए, या हो सकता है ऐसा कि आज का जो आप 10 से 15 मिनट ये दे रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा की आपकी लाइफ में जनरेट हो जाए जो आपके रेट ऑफ सक्सेस को बढ़ा दे या जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को 100% श्योर कर दे. तो आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ माय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, माय होल टीम एंड द प्लेटफॉर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द सीजीपीएससी कोच, प्लीज वेलकम सर. दिस इज माय रियली, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड प्लीजस अबाउट योर बोथ कमिंग हियर. So let us, we are going to start with the discussions and with the guideline with the Kiran sir and Surinder sir. And right now I am requesting first of all Kiran sir, he will introduce you and here he is going to answer and guideline about mind setup, mind strategy, mind management of a student for the competitive level examination. आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, छत्तीसगढ़ और नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ के बाहर बहुत सारे ऐसे IITians और MBBS स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर के कोचिंग में, सर के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की है और अभी ये उच्च संस्थानों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. प्लीज किरण सर. थैंक यू सो मच अनीश, आपकी तरक्की देख करके, जैसे माता पिता को खुशी होती है अपने बच्चों की तरक्की देख करके, वैसी तरक्की देख करके आपकी आज मुझे उस रिजल्ट को खुशी हो रही है. और मुझे आज से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 साल पहले वाले अनीश याद आ गए. तो जो सारे स्टूडेंट CGPSE कोच से पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक चीज जो हमने हमेशा एडमायर की अनीश के अंदर में, कि ग्रेट अमाउंट ऑफ एंथुजियाज्म एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी. इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जिनका मैं साक्षी रहा हूं, पर उसके बावजूद आज ये इतनी ऊर्जा के साथ में आप सबको पढ़ाते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है. साथियों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा जो अनीश ने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं माइंड मैनेजमेंट या माइंड सेटअप की. अगर मैं आप सबसे पूछूँ कि आपके पास आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, What is your biggest asset? तो आप क्या कहेंगे? आप में से कुछ साथियों का जवाब आएगा मेरे parents, मेरी life, मेरा knowledge, है ना, मेरा health, मेरी कुछ और जो चीजें आपने achieve की हैं.
क्या आप मुझसे सहमत होंगे इस बात पे कि अगर मैं ये कहूँ कि हम सबका जो सबसे बड़ा एसेट है, जो सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास में है, वो है हम सबका खुद का सकारात्मक मन। मन तो सबके पास है, पर मैंने कहा सकारात्मक मन, क्योंकि इतिहास गवाह है, अनेक हमें ऐसे प्रेरक प्रसंग मिलते हैं और मुहावरे मिलते हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। तो इट ऑल कम्स डाउन टू योर मेंटल लेवल। आपने देखिए अनेक एग्जांपल्स आपने देखे हैं, अभी हाल ही में 14 जून को एक बहुत हृदयविदारक घटना हुई, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक होनहार जिन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करके उस मुकाम पर पहुंचे होंगे। स्टारडम देखा उन्होंने, अच्छी पिक्चरें देखी उन्होंने, दिखाई हम लोगों को देखने का मौका मिला, बट फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक क्षण आया और उस क्षण में एक अच्छा एक्टर हम सबको छोड़ के चला गया। दोस्तों ये क्षण हम सबके जीवन में आते हैं, बिलीव मी, मेरे भी आते हैं, अनिश के भी आते हैं, सुरेंद्र सर के भी आते हैं, हम सबके जीवन में ऐसे कमजोर क्षण आते हैं। पर वहीं पर बात आती है कि आपका मन जो है वो या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, द बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, और अगर मन को आपने ट्रेन नहीं किया, मन को मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपने माइंड मैनेजमेंट नहीं सीखा, तो ये माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि CGPSC पास करना या UPSC पास करना या कोई भी और एग्जाम पास करना आसान है, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके लिए आप जैसे ट्रेनर्स हैं, आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो एक संयम के साथ में, एक डिसिप्लिन के साथ में, कोई भी सामान्य विद्यार्थी भी अगर 2 साल, 1 साल, 3 साल मेहनत करता है तो सफल हो सकता है। राइट हो क्या? देखिए सर भी कह रहे राइट है। एक प्रॉपर गाइडलाइन और स्टूडेंट का डेडिकेशन, दोनों हाथ से जब ताली बजती है तो सक्सेस कंफर्म। राइट, तो सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, आप जो पाना चाहते हैं वो 2-3 साल डेडिकेटेड होंगे तो पा जाएंगे। महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि वो पा जाने के बाद में या उस पाने के दौर में जो आप वेरियस उतार चढ़ाव देखते हैं आपके माइंड का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। आपको किसी ने नकारात्मक बात कह दी कि नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, या देखो वो फलाह व्यक्ति ने तो 4 अटेम्प्ट ले लिए उसका अभी तक नहीं हुआ, तो तुम्हारा भी नहीं होगा, और हम हाथ पैर ठंडे करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको बस यही आपको एक साइंटिफिक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान, एक बात तो अनिश सर ने आपको सिखाई ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ हार्डवर्क से बात नहीं बनती, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। यू एग्री विद मी कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है? तो स्मार्ट वर्क यही है कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में, कम समय में ज्यादा फोकस जो करके कैसे पढ़ा जा सकता है। अब अगेन आपका कौन सा फैकल्टी है जो आपको पढ़ने में मदद करता है, कौन सी विधा है, तो वो माइंड की ही है। आप जो भी पढ़ते हो कहाँ जाता है, आपके माइंड में जाता है, आपके मेमोरी में जाता है। तो थोड़ा समय निकाल करके आप माइंड मैनेजमेंट के लेसन्स लीजिए, और जो कि बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप समझिए कि आपके शरीर, आपकी श्वास और आपके मन में एक संबंध है। अनिश, हम सबको गुस्सा आता है, हाँ। तुमको तो बहुत ज्यादा आता था ना? तो गुस्सा आता है तो क्या होता था, सांसें तेज चलने लगती हैं, शरीर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, इज़न्ट इट। तो ये क्या हुआ, गुस्सा क्या था, एक इमोशन था, उसने हमारी सांस को प्रभावित किया, उसने हमारे शरीर को प्रभावित किया। हम कई बार डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी सांसें रुक रुक सी जाती हैं, मन बैठा सा जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसी के विपरीत जब आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको थकावट भी महसूस नहीं होती और आप अच्छे से रात भर मन लगा करके आप पढ़ाई करते रहते हो। सो अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेथ जो है, आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो आपके मन पर डायरेक्ट असर डालती है। तो आज के इस छोटे से बात पे मैं बस यही आपसे कहूंगा कि दिन भर में जैसे आप अनेक अलार्म्स लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए कि शाम को ये पढ़ना, सुबह ये पढ़ना, मैं मेरी घड़ी में रोज अलार्म लगाता हूं कम से कम 15 बार, कि हर एक घंटे के बाद में वो मुझे अलार्म देती है कि ये सांस लेने का समय हो गया।
सांस तो हम ले रहे हैं, बट अभी जो सांस ले रहे हैं वो ये यहाँ से बस गले से ले रहे हैं, छाती से ले रहे हैं, पर दरअसल सांस कहाँ से लेनी चाहिए? पूरे फेफड़े जब भरे हो, पेट फूलता हो आपका, और फिर सांस छोड़े तो पूरा पेट सिकुड़ के जाता हो। तो ऐसे 15 अलार्म आप अपनी घड़ी पे लगाना कि 15 बार आपको रिमाइंड करे कि एक एक मिनट बैठ करके 10 से 12 लंबी सांसें आपने लेना और छोड़ना है। आप पाएंगे कि आपकी डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो आपके मन में जो गतिरोध है, बोझ है, जो प्राण शक्ति भी, थोड़ा और टॉपिक में डिटेल जाते हैं कि जो प्राण शक्ति भी होती है उसको भी बहने में मौका मिलता है। तो अगर आप आपके माइंड को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अगर सफल हो भी जाएंगे, पहले तो सफल होने में ही बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि कई लोग, हमारी एक स्टूडेंट होती थी तृप्ति सिंह, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, आज वो डॉक्टर है, होनहार बच्ची, वो 3 बार हर बार सेलेक्ट हो जाती और वो जब रिजल्ट आता आप वापस आके बताती कि सर मैंने तो पूरा बनाया, मेरा तो पूरा सिलेक्शन हो रहा है, पर जब हम रिजल्ट आता तो चूक जाती। तो जब उससे पूछे कि बेटा कहाँ पर गलती होती है तो कहने लगी कि सर जब एग्जाम की आंसर शीट आती है तो मुझे इतना तनाव हो जाता है कि मैं देखती इधर हूँ, एक में मुझे डार्क करना होता है और इधर मेरी पेंसिल बी में डार्क कर देती। टेक्निक्स क्या हुआ कि आपके पूरे माइंड बॉडी एंड सोल आपके साथ आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो आप ये चीज जरूर सीखिए। सीजीपीएससी कोच सर आपको इस बारे में भी अरेंज करेंगे, जैसे हम लोग करियर पॉइंट में अपने स्टूडेंट्स के लिए हर साल आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज अरेंज करते हैं, जहां पर छोटी उम्र से ही बच्चों को हम सही ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन, ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि सांसों पर ध्यान दीजिए तो अपने आप आपकी सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच किरण सर। अभी सर ने जो बात बताई आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने में मैंने आधा इंट्रोडक्शन दिया, वैसे भी अभी इतना समय है नहीं कि मैं सर का पूरा इंट्रोडक्शन दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे मैंने सर के साथ काम भी किया है, टाइम स्पेंड किया है, गाइडलाइन भी लिया है, इतना सब कुछ बताने के लिए तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो सर ने बात बताई, मैं उस मैसेज को ही आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहना चाह रहा हूँ और आप लोगों को करना ही है। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप 40 मिनट का टाइम टेबल बना करके, 1 घंटे का टाइम टेबल बना करके एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन हर स्लॉट, मतलब कि जैसे 40-40 मिनट का हम एक एक स्लॉट रखते हैं सेल्फ स्टडी का, तो जैसे ही वो 40 मिनट पूरा होता है आप कम से कम 1 से 2 मिनट अपने आप को दीजिए, और जैसा कि ब्रीथिंग प्रोसेस सर ने बताया, अपनी आईज क्लोज करके स्टमक से लेकर के टिल द नेक, मतलब कि कंप्लीट ब्रीथिंग, सांस पूरी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और फिर सांस को आराम से छोड़िए। मतलब कि ये एक ऐसा पार्ट है लाइफ का, ऐसा पार्ट है योगा का, जिसमें बहुत सारी चीजें करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और आपको पता चलेगा कि डे बाय डे आपको कोई हॉर्लिक्स की जरूरत नहीं है। डे बाय डे योर मेमोरी कैपेसिटी विल इंक्रीज, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है व्हाट्सएप में, स्टूडेंट का कहना था सर रोज कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारा, थैंक यू वेरी मच। तो सच तो ये है कि गाली दोनों हाथ से बजती है, आपकी मेहनत और हमारा गाइडलाइन दोनों मिला करके फाइनल रिजल्ट तक लेके जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम कॉम्पिटिशन में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन्हीं में से एक फैक्टर है फियर ऑफ फेलियर। तो अभी मैं मिस्टर सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आपको फियर ऑफ फेलियर को ट्रीट करना बताएंगे, और उसके साथ साथ व्हाट इज द वे ऑफ स्मार्ट स्टडीज, मीन्स मेहनत तो सभी करते हैं, काम तो सभी करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सब किसी का रेट ऑफ सक्सेस अलग अलग है। तो ये जो रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करता है वो स्मार्ट स्टडीज पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में सर आपको बताने जा रहे हैं सुरेंद्र सर। आई वेलकम यू एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू सुरेंद्र सर। थैंक्स अनीश। ये जो टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर, अब्बल तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको कि नहीं है, मतलब खुलेआम एक्सेप्ट किया है, वो चाहे बिल गेट्स हो या जैक मा हो, आप रतन टाटा जी को मानते हैं, ऐसे तमाम जो भी लोग जिनका कि हमें लगता है कि ये किसी न किसी सफलता की कुछ। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसा विषय है कि ये हम सब पर लागू होता है, हम कितने भी सक्सेसफुल लोगों को दुनिया में जानते हो,
सबने इस बात को माना है कि वो जितना भी बड़ा कर रहे हैं जीवन में, लेकिन फियर ऑफ फेलियर तो उनको भी है। तो क्या फियर ऑफ फेलियर होना कोई बुरी बात है? बुरी बात तब है जब वो फियर ऑफ फेलियर आपको प्रभावित करने लगे। वो है, लेकिन आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं ये आप पर है। जब कुछ करने निकले हैं तो निश्चित तौर पर या तो सफल होंगे या सफल नहीं होंगे, तो जिसे हम फेलियर कहते हैं। तो इसलिए हम ये तो सोचे ही ना कि फेलियर का क्या होगा। इसका डर ज्यादा हमें मार देता है। फेलियर कुछ नहीं करता। फेलियर तो ऐसा है कि यदि हम फेल ना होते होते बचपन से, तो अभी हम चलना भी ना सीख पाए होते। आप देखते हैं बच्चे कैसे चलना सीखते हैं, दो कदम चलते हैं मुंह के बाहर गिरते हैं, लेकिन उनको उठा करके फिर से उनको प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है कि कोई बात नहीं है तो ठीक है तुम दौड़ते रहो। हमें फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली तब आना शुरू होती है जब हम बड़े होते हैं और हमें ये महसूस कराया जाता है कि ये इस तरह से गिरना, इसको फेलियर कहते हैं हम बड़ों की दुनिया में। तो अगर हमने उस छोटे बच्चे को कभी एहसास दिला दिया होता ना कि ये जो तुम दो दो कदम चल के गिरते हो ना बेटा, ये फेल हो तुम्हें, तो वो बेचारा कभी ना चल पाया होता। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों को कि अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें कि उन्हें बताएं कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन, गिरते हैं शहसवार ही मैदान में जाऊँ, क्योंकि वो बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है इसलिए गिर रहा है, और नहीं तो वो घर में रह जाता। ऐसा ही आपके साथ, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना चाहते हैं, जीवन में उच्च पदों पर जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं लोगों की, तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए फेलियर होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन उसका फियर हम पर नहीं हावी होना चाहिए, ये देखने वाली बात है। अब आप देखिए, चिंता पर तो मैं ऐसा कहूँगा कि चिंता करने योग्य चीज़ है ही नहीं, करना हो तो हम चिंतन करें। कबीर दास जी ये कहते हैं, वो कहते हैं मुर्दे को भी देत है कपड़ा लत्ता आग, कि अगर एक लावारिस लाश भी किसी को मिलती है तो कुछ भले मानस मिलकर के उसके लिए कपड़े लकड़ी का इंतजाम करके उसका संस्कार कर देते हैं। तो वो कहते हैं मुर्दे को भी देत है कपड़ा लत्ता आग, जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा आभाग। तो यदि हम जिंदे होकर के हर तरीके से सबल होकर के चिंता करते हैं तो आप कहते हैं ये बड़ा दुर्भाग्यशाली। इसलिए बच्चों आज के बाद तो ये पक्का याद रख लेना है कि चिंता तो करनी ही नहीं, क्योंकि जो बदा है वो होकर रहेगा, जो हमारे हाथ में है हम वो करें। वी कैन डू आवर बेस्ट एंड वी मस्ट डू दैट। अब अपना बेस्ट हम कैसे करें, यही अभी आपको किरण सर ने बताया कि अपना बेस्ट करने के लिए आप ब्रीदिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, योगा को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम कुछ स्मार्ट स्टेप्स उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो सारी जद्दोजहद इसी बात की, आपको सिविल सर्विसेज के लिए कैसे तैयार करना है, अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हैं, प्रोबेबल आंसर्स क्या होंगे, ये तो आपके कोच आपको सिखाते ही हैं अनिश। तो जो हम कर सकते हैं वो अच्छे कोच के साथ जुड़कर सीख सकते हैं, अच्छा मटीरियल पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सो बाय ऑल मीन्स आई विल से दैट यू शुड नेवर वरी अबाउट इट, अपनी तरफ से बेस्ट करो और सक्सेस होके ही रहेगी, एक नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे नहीं तो तीसरे अटेम्प्ट। इन केस यू वांट टू हैव, यू कैन ऑलवेज हैव अ बी प्लान आल्सो। प्लान ए अगर नहीं होता है तो मेरा प्लान बी क्या है, और प्लान बी ही क्यों, मैं तो कहूंगा प्लान सी और प्लान डी भी रखो, इसमें बुराई क्या है। जिस तरह की घटना के बारे में अभी किरण सर ने बताया, बहुत दुख देने वाली बात है कि एक ओजस्वी भविष्य की कामना हम जिसके लिए करते थे और देखते थे कि वो बहुत अच्छा करेंगे, हम सब युवाओं के जो एक हीरो बनते चले जा रहे थे, जाने किस किस्म की ऐसे कमजोर पल जीवन में आगे जो हमने ऐसा कदम उठा लिया। मेश्योर और मेरा तो यही मैसेज है आप सब बच्चों को कि बेशक फियर ऑफ फेलियर आपके साथ रहे, लेकिन वो आपको प्रभावित ना करें, अपना बेस्ट कीजिए और करते ही रहिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अभी बात सर की पूरी हुई नहीं है, मैंने दो टॉपिक पे सर से रिक्वेस्ट किया था, हाउ टू डील द फियर ऑफ फेलियर, मींस फेलियर, फेलियर वाला जो कॉन्सेप्ट है सर ने जो भी अभी बताया लिटरली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हम सभी के लिए। लेकिन सर की बात अभी पूरी हुई नहीं है, अभी स्टेप्स ऑफ स्मार्ट स्टडीज एंड हाउ टू डू स्मार्ट एक्टिविटी स्मार्ट वर्क, इसके बारे में सुरेंद्र सर अभी फिर से हमको टाइम देंगे, मैं फिर से सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आर्ट ऑफ लिविंग
इंडिया ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी संस्था है श्री श्री रविशंकर गुरुजी जो हैं, हम सभी गुरुजी गुरुजी कॉल करते हैं सबको, तो उनके जो मार्गदर्शन है वो हमेशा हमको मिलते रहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का जो बिलासपुर सेक्शन है उसमें पूरे स्टेट में बिलासपुर के साथ साथ किरण सर जो है लगातार समय देते हैं और वो उसके नियमित रूप से शिक्षक भी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा समय तो हम दे नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा व्हाइट बोर्ड में मैंने सुरेंद्र सर और किरण सर का नंबर जो है नोट डाउन करा दिया है, और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी तरह के मोटिवेशन या किसी तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता हो तो मैं सर की तरफ से आपको बेझिझक कह रहा हूँ, निश्चिंत होकर के आप सर को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, कॉल कीजिए, और मैं बिल्कुल कमिटमेंट दे रहा हूँ कि जो भी सपोर्ट होगा सर लोग की तरफ से बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को। सीरियसली ये बहुत बड़ी बात है, और यदि ये मैं आज की डेट पे आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैं सर से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसमें सर आप लोगों को गाइड करें। राइट, तो एक टिप मैं शेयर करता हूँ और फिर ज्यादा टिप हम सुरेंद्र सर से शेयर करेंगे, क्योंकि सुरेंद्र सर एकेडमिक मैनेजमेंट भी पूरा देखते हैं इंस्टीट्यूट्स का। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि इफ यू स्टडी फॉर मार्क्स यू विल गेट ओनली मार्क्स, यानी अगर नंबरों की लड़ाई में जाएंगे तो सिर्फ नंबर मिलेंगे, पर अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, नॉलेज भी मिलेगा और नंबर भी मिलेगा। और मेरे जीवन का अनुभव ये है दोस्तों कि नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप सीजीपीएससी में देखिए, अभी हम अनिल सर से बात करें तो विभिन्न पदों के बारे में और विभिन्न भर्तियों के बारे में बता रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि आप जिस परीक्षा के लिए आज पढ़ रहे हो उसी परीक्षा में वो आपको नॉलेज काम आए, वो नॉलेज आपको अन्य परीक्षाओं में भी जीवन के काम आ सकता है। तो नाउ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, तो एक टिप मैं ये कहूंगा कि मैंने चूंकि माइंड मैनेजमेंट के बारे में बात की, तो हम हर किसी का एक ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक ना एक डरावना सब्जेक्ट होता है कि जिससे हम डरते हैं, जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते, और बचपन से ये सिखाया जाता है कि पहले इजी इजी वाले को पढ़ लो, हार्ड वाले को बाद में रखना। पर हम आपको ये कहते हैं कि जो भी विषय आपको डराता है आप सबसे पहले उसकी कॉपी लीजिए, शांत मन से बैठिए और बोलिए आई लव मैथ्स। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप बोलिए आई लव मैथ्स, और एक एक करके आप पहले पूरे उसके चैप्टर देखिए और अपने आप को बोलिए आई लव दिस चैप्टर। तो आप ऑटोमेटिकली उस मेंटल कंडीशनिंग में आ जाते हैं और अब आपका माइंड आपका सहयोग करने लगता है, आपको जो चीजें डरा रही थी वो डराती नहीं। और फिर आप जब छोटे छोटे नोट्स बना करके, स्टोरीज दिमाग में कल्पना करके, छोटे छोटे एब्रीवेशंस बना करके, कोई पिक्चर से जोड़ के, कोई कैरेक्टर की बात है उस कैरेक्टर को आप अपने किसी फेवरेट पिक्चर के कैरेक्टर से जोड़ दीजिए, कोई घटना है उसको आप किसी जीवन की घटना से जोड़ दीजिए, तो ऐसे अगर आप मेंटल हुक्स बनाएंगे, अगेन अनिश ये टॉपिक पूरा एक घंटे का हम सेमिनार लेते हैं इसके ऊपर में, तो किसी दिन और विस्तार से आप स्टूडेंट्स को बताएंगे, पर अभी आप यही समझिए कि दिमाग से आप अटैक करिए उसको, बड़े बड़े चीजों को छोटा छोटा तोड़ तोड़ करके, जो जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको आप लिख करके एक चीजों से कोरिलेट करके, जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं, कि माइंड मैप आप बनाएंगे तो आपको चीजें रिटेन करने में आसान जाएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र सर से कि वो कुछ ऐड करना चाहें। वेल, आप सभी बच्चे पढ़ते होंगे बहुत ध्यान से, मैं एक ऐसा टिप बताना चाहूंगा जो जन जीवन में भी काम आता है, एक स्टूडेंट लाइफ के बाद में भी, वो है कि कभी प्रोक्रास्टिनेट ना करें। प्रोक्रास्टिनेशन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब होता है टालना। तो कई बार हम चीजों को टालते हैं। अब अभी आप देखिए जो ये कोरोना आया है, कई चीजों को इनफैक्ट सभी चीजों को फुल स्टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये तो कल्पना के परे था, न जाने कितनी चीजें हमने प्रोक्रास्टिनेट की होंगी कि अभी नहीं करते तो फिर कर लेंगे। तो इसलिए फिर वही कबीर साहब की बात पानी आपको याद आ गई कि पल में प्रलय होगी गौर करेगा कब। तो अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी है ये कि सारी दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं इसके सामने। तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आप प्रोक्रास्टिनेट न करें। जिस चीज के महत्व को आप समझते हैं आज करना जरूरी है वो आज ही करें। कुछ नहीं पता कल का दिन कैसा होगा, कोई हमारी तबीयत खराब हो जाए
किसी करीबी के साथ कुछ हो जाए, लाइट ना हो, कई ऐसी समस्याएं जो एक स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं। तो कभी भी आज जो त्याग तय किया था वो किए बिना नहीं सोना है। यू मस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ कि जो मैंने आज तय किया, और जो आप तय करते हैं उसको दिमाग में तय ना करें, लिख लिख कर करें। ये बचपन में सीखी हुई हैबिट हम दोनों को ही आज तक है, और वो हमारे सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, वो है थिंग्स टू डू लिस्ट। तो आपको ज़रूर एक थिंग्स टू डू बनाना चाहिए कि आज मैंने क्या करना है। अगर आपने 10 चीज़ें उसमें लिखी हैं और आप केवल 6 अचीव कर सकते तो कोई बात नहीं, बाकी 4 लिखी हुई हैं वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाएंगी, पर अगर लिखा रहेगा तो वो आपके काम आएगा। तो जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा, जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए अपने सारे प्लान्स को सिर्फ दिमाग पर न रखिए, कागज पर लिखा करें मैंने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरा, हमेशा परीक्षोपयोगी पढ़िए, क्योंकि अभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक तो हुआ पढ़ना समग्र रूप से उस चैप्टर को, और दूसरा परीक्षोपयोगी पढ़ना कि अभी कितना जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस चैप्टर को जानना कितना जरूरी है। कई बार कोई चैप्टर आपके लिए बहुत पसंदीदा है तो आप उसके अंदर खोल उसको पढ़ते पढ़ते रिसर्च के लेवल तक चले जाते हैं। You don't have all that time. So, आपको ये भी जानना जरूरी है कि कैसे समेटे चीजों को कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़कर अपनी परीक्षा को पास करने का ध्येय मुख्य है अभी। तो don't get carried away. ये भी एक चीज। I think these tips will help you. Thank you. Thank you very much, sir. बहुत सारी बातें आज के सेशन में हमको मिली, और आज के सेशन के क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए मैं फिर से किरण सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आज का हमारा सेशन जो है वो समाप्त होगा। सर प्लीज। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही कहूँगा कि मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता हूँ, और आप सबको रखना चाहिए, और ईश्वर के द्वारा हर एक घटना जो है वो पूर्व से ही निर्धारित है। आज हमारा यहाँ आना, अनिश जी के साथ ये इंटरव्यू करना, आप सभी लोगों से बात करना, हमें ये भी नहीं पता कि आप किस जगह पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहाँ पर सुन रहे होंगे, इस समय आपकी मनोदशा क्या होगी, हमें कुछ नहीं पता। पर हमारी आपसे ये विनती है, प्रार्थना है हमारी सुरेंद्र सर की, अनिश की, हम आपके टीचर्स हैं, कि अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कोई भी बात ऐसी लगी हो जिसने आपका मन थोड़ा हल्का किया हो, तो हम मानेंगे कि आज हमारा आना सफल हुआ, और आपसे ये हम एक गुरु दक्षिणा चाहेंगे, क्योंकि गुरु तो हो ही गए तो दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा ये चाहिए कि आप इस वीडियो को, इस नॉलेज को अपने आप तक ना रखें, आप अपने साथियों में जहां कहीं पर भी हैं वहां पर भी इसे शेयर करें, ताकि पता नहीं किसके शब्द ईश्वर किसकी मदद किसके थ्रू कराना चाहता है, शायद आप ही माध्यम बने किसी सुशांत सिंह राजपूत को बनने से रोकने के लिए। आप सबका जीवन बहुत कल्याणकारी हो, और आप सबको बहुत मनोवांछित और शुभ, आपके जो गोल्स हैं, मैं शुभ गोल्स कहूंगा, कहते हैं आपकी मनोकामना, तो शुभ मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो जरूर पूरी हो। थैंक यू सो मच।